आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन सी एंड सीबी रेस्पेक्टिवली सच दैट कि जो डीई e है वो पैरेलल है ए बी के देन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है ए डी की डी सी की एंड बी ई की एंड सी ई की ध्यान से देखो इन ट्राइ ए बी सी एंड इन ट्राइ सी डी ई अगर हम देखें क्लियरली डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के ठीक है सो क्लियरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज दे आर कॉमन ठीक है एंड so ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज डिंग एंगल्स और ए सी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल्स होंगे दैट इज एंगल बी ए सी होगा एंगल डी सॉरी बी ए सी ये एंगल किसके इक्वल होगा दैट इज देखो यहाँ पे हमने नेमिंग गलत कर दिया दैट इज अगर ए बी सी ले रहे हैं तो इसको भी हमें नेमिंग भी ध्यान रखनी होगी दैट इज डी सी लेंगे सो ना हम उसको लिख सकते हैं दैट इज ई डी सी ठीक है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड सिमिलरली ये कॉरस्पोंडिंग एंगल्स दैट इज ए बी सी इज इक्वल्स शो होगा डी ई सी के और दोनों का रीजन सेम है दैट इज कॉरस्पोंडिंग एंगल्स ठीक है नाउ सो बाय ए ए ए से हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डीई सी के ठीक है और अगर ये सिमिलर है तो बाय बेसिक प्रोपेशनिटी थ्योरम दैट इज बाय बी हमें पता है दैट कि यहाँ पे ए डी सॉरी अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है ठीक है क्लियरली तो हमें यहाँ पता है बेसिक प्रोपेशनिटी थ्योरम से दैट इज ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू होंगे बी सी अपॉन सॉरी दैट इज अपॉन डी ए इक्वल होंगे सीई अपॉन ई बी के ठीक है ये बेसिक प्रोपेश में ना सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज एक्स प्लस थ्री डी ए दैट इज एडी इज इक्वल टू टू एक्स सीई दैट इज एक्स एंड ई बी दैट इज बी दैट इज टू एक्स माइनस वन सो फर्दर सॉल्व करेंगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस इंटू टू एक्स माइनस वन स्क्वायर दिस क्या आ जाएगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क् माइनस ऑफ एक्स प्लस क्लियरली यहाँ पे दोनों कैंसिल एंड माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो so this implies 5x is equals to 3 and this implies x is equals to 3 divided by 5 ठीक है okay? so यहाँ पे ये हमारा answer आ गया that is x is equals to 3 divided by 5 ठीक है okay? thank you class 6 to 12 से लेके need IIT JEE mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा आज ही download करें doubt net app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400 400 400 पर